पाठ 21 जादू का बुरुश। सुरेश एक निर्धन बालक था। वह पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था। उसे चित्र बनाने का बहुत शौक था। अपने घर की दीवारों पर उसने तरह तरह के सुंदर चित्र बना रखे थे। गांव के लोग उन चित्रों को देखते और आश्चर्य करते। वे कहते, शाबाश सुरेश, तुम बहुत सुंदर चित्र बनाते हो। यदि अभ्यास करते रहे तो एक दिन बहुत अच्छे चित्रकार बनोगे। हाँ, एक दिन तुम बहुत अच्छे चित्र बनाते हो। तुम कितने बड़े-बड़े चित्र बनाते हो। सुरेश उनकी बात सुनकर बहुत प्रसन्न होता। वह चित्र बनाने का और अधिक अभ्यास करता, लेकिन उसके पास बुरुश और रंग न थे। वह किसी पेड़ की डाली से बुरुश बनाता और फूल पत्तियों से रंग निकालता। सुरेश कई बार सोचता, मेरे पास एक बुरुश होता तो कितना अच्छा होता। सुरेश के मन की यह इच्छा भी पूरी हो गई। एक दिन वह पाठशाला से घर लौटा तो आंगन में एक बुरुश पड़ा देखा। उसे देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। आहा, अरे वाह। दौड़कर जब उसने बुरुश उठाया तो उसे नीचे एक कागज दिखाई दिया। कागज पर लिखा था, यह जादू का बुरुश है, इसे सोच समझकर काम में लाना। कितना अच्छा बुरुश है, इससे तो मैं बहुत सुंदर चित्र बना सकूंगा। सुरेश ने मन ही मन सोचा। उसके हाथ चित्र बनाने को बेचैन हो रहे थे। उसने तुरंत एक चिड़िया का चित्र बना दिया। चित्र पूरा होते ही वह सचमुच की चिड़िया बन गई। सुरेश आश्चर्यचकित देखता ही रह गया और चिड़िया फुर्र से उड़ गई। अरे अरे वाह। अब उसने खरगोश का एक चित्र बनाना प्रारंभ किया। जैसे ही चित्र पूरा हुआ, उसने देखा कि उसके सामने सचमुच का एक खरगोश है। अरे, ये तो सचमुच जादू का बुरुश है। वह खुशी से चिल्ला उठा। सुरेश उस बुरुश से जो भी चित्र बनाता, वह सचमुच की चीज बन जाती। सुरेश बहुत ही बुद्धिमान बालक था। वह खूब सोच समझकर गांव वालों की जरूरत की चीजों के चित्र बनाता। फिर वह उन चीजों को गांव वालों को दे देता। इससे गांव वाले बहुत प्रसन्न होते। धीरे धीरे आसपास के गांवों में भी सुरेश का नाम फैल गया। लोग उसके पास सहायता के लिए आने लगे।
अरे तो बड़े अच्छे चित्र बनाता है। अरे भैया तुमने जो चित्र मेरे लिए बनाया था वह मेरे बहुत काम आया। अरे भैया मेरे लिए एक झोपड़ी बना देना। अरे भैया भैया मेरे लिए एक गाय का चित्र बना दो। बनाता बहुत अच्छा चित्र बनाता है। कुछ ही दिनों में सुरेश और उसके बुरुष की बात राजा तक भी जा पहुंची। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने सुरेश को बुला भेजा। राजा ने सुरेश से तरह तरह की चीजों के चित्र बनाने को कहा। सुरेश जानता था कि राजा को इन चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए उसने कोई चित्र नहीं बनाया। राजा को बहुत क्रोध आया। उसने सुरेश से बुरुश छीन लिया और बोला, मूर्ख देख, मैं इससे अभी सोने का पहाड़ बनाता हूं। राजा ने पहाड़ का चित्र बनाना शुरू किया। परंतु जैसे ही वह चित्र पूरा हुआ, सोने के पहाड़ की जगह उसके सामने पत्थर का एक काला पहाड़ खड़ा था। देखते ही देखते उस पहाड़ के पत्थर इधर उधर गिरने लगे। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब उसने सोने की छड़ का चित्र बनाया। जैसे ही चित्र पूरा हुआ, सोने की छड़ की जगह काला सांप बन गया। सांप बड़ी तेजी से राजा पर झपटा। राजा बुरी तरह डर गया। उसने बुरुश एक ओर फेंक दिया और अपने सिपाहियों को आज्ञा दी, इस शैतान को अभी पकड़ लो और जेल में बंद कर दो। सुरेश ने दौड़कर बुरुश उठाया ही था कि सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और जेल में बंद कर दिया। चला, चला अंदर। जेल की कोठरी में बहुत अंधेरा था। वहां सर्दी भी बहुत थी। सुरेश को खाने पीने को भी कुछ नहीं दिया गया। पर सुरेश को जिस चीज की आवश्यकता होती वह उसका चित्र बनाता और वह वस्तु उसे मिल जाती। अरे अरे वाह। तीन चार दिन बाद राजा सुरेश को देखने गया। उसने खिड़की से झांक कर देखा कि सुरेश की कोठरी में सब प्रकार का प्रबंध है। वह बड़े आराम से कोठरी की दीवारों पर चित्र बना रहा है। यह देखकर राजा गुस्से से लाल हो गया। उसने सिपाहियों से कहा, इसे पकड़कर मेरे पास लाओ। आज्ञा पाते ही सिपाही कोठरी में घुसे, पर वहां कोई न था। अरे कहां गया? अरे सुरेश कहां गया? सुरेश कहां गया? सिपाहियों ने बाहर देखा कि सुरेश एक घोड़े पर चढ़कर भागा जा रहा है। सिपाही भी अपने अपने घोड़ों पर बैठकर उसका पीछा करने लगे। सुरेश
सुरेश ने जल्दी से अपने और सिपाहियों के बीच समुद्र का चित्र बना दिया। लहराता हुआ समुद्र देखकर सिपाही आगे न बढ़ सके। इस तरह सुरेश राजा की पहुंच से बाहर हो गया। वह जहां जहां जाता गरीब लोगों की जरूरत की चीजों के चित्र बना बना कर उनकी सहायता करता। लोग उससे बहुत प्रसन्न रहते। कठिन शब्द बुरुष बुरुष शौक शौक चित्रकार चित्रकार अभ्यास अभ्यास क्रोध क्रोध प्रकार प्रकार प्रबंध प्रबंध निर्धन निर्धन आवश्यकता आवश्यकता बेचैन बेचैन आंगन आंगन। अन्य शेष कार्यक्रम अगले कैसेट में सुने।